यूपी योद्धा वर्सेस पटना पैरेट्स इस वीवो पीकेएल के नेक्स्ट मैच में आप सभी लोगों का मैं मोस्ट वेलकम करता हूं। दोस्तों ये मुकाबला ना 2 नवंबर को रात के 8 बजे यानी कि गाइस ये 2 नवंबर का रात का पहला मैच रहेगा जो कि यूपी और पटना के बीच खेला जाने वाला है। अब देखो भाई पटना ने यार बहुत ही अच्छी वापसी की है। पटना के पास भाई देखो स्टार प्लेयर भी नहीं है, फिर भी देखो टीम काफ़ी बढ़िया खेल रही है। लास्ट मैच देखो भाई पटना अपना जीत करा रही है, वो भी दबंग दिल्ली केसी को हरा कर। तो गाइस पटना काफ़ी स्ट्रांग इस बार मुझे दिख रही है। और देखो पटना के पास अब रेडिंग के साथ साथ डिफेंस में भी अब देखो इनकी टीम ना बिल्कुल ही स्ट्रांग हो गई है। ठीक है तो चलिए ये जानते हैं इस मैच की हमारी टीम क्या रहेगी और इस मैच में हमारे लिए ट्रम्प कार्ड प्लेयर कौन कौन से रहेंगे और कैप्टन और वाइस कैप्टन हमें किसे करके जाना है, क्या सुमित सांगवान या फिर अंकित जागलान जो कि डिफेंस में बैक टू बैक मतलब अच्छा परफॉर्मेंस करके दे रहा है। तो गाइस इसको बहुत सारी बातें हैं जो कि मैं आपको वीडियो में बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूं। तो भाई वीडियो को आप ध्यान से देखना, लास्ट तक देखना, ज़्यादा बड़ी वीडियो मेरी रहती नहीं है, बहुत छोटी सी वीडियो रहती है और छोटी सी वीडियो भाई आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग और यूजफुल रहती है। ठीक है और गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइस फटाफट से जाकर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन नहीं किया तो देखो भाई फाइनल टीम और फ्री टीम, ठीक है फाइनल टीम फ्री टीम और विनिंग टीम के लिए भाई आपको हमारा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लिंक आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो जाकर फटाफट से जाकर ज्वाइन कर लो। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैंने बिल्कुल टॉप पर ही दिया हुआ है तो भाई मेरे जाकर जल्दी ज्वाइन कर लो। वीवो पीकेएल के सारे मैचेस की टीम मैं आपको यहीं पर मैं बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करने वाला हूं तो भाई देरी मत करो जाकर जल्दी से ज्वाइन कर लो। ठीक है पहले गाइस हम लोग यहां पर बात करें हेड टू हेड मैचेस की तो देखो यूपी योद्धा और पटना पैरेट्स के बीच टोटल अभी तक 15 मुकाबले खेले गए हैं जिसमें से 9 बार पटना और 6 बार यूपी योद्धा ने मुकाबले को जीता है। यानी कि अगर आप हेड टू हेड रिकॉर्ड देखोगे तो देखो यहां पर पटना का पलड़ा थोड़ा सा भारी है। ठीक है बाकी अगर आप दोनों टीमों के अगर आप लास्ट 4 मैच यानी कि आप रिसेंट फॉर्म पे एक बार नजर देखते हो तो देखो भाई लास्ट मैच पटना जीत कर आ रही है और यूपी योद्धा अपना लास्ट मैच हार कर आ रही है। ठीक है वहीं देखो दोनों टीमें ने लास्ट 4 मैच में 2 मैच अपने जीते हैं और 2 मैच अपनी हारी है तो देखो दोनों टीमें आई थिंक मेरे हिसाब से लगभग देखो भाई सेम टीम रहेगी। ठीक है अब हम लोग बात करेंगे दोनों टीमों की स्टार्टिंग 7 क्या रहेगी और इसी के बेस पे भाई हमारी टीम बनने वाली है। ठीक है देखो यूपी योद्धा के जो रेडर रहेंगे वो यहाँ पर सुरेंद्र गिल जो कि उतने जो फॉर्म में नहीं है बट देखो जो इनके सेकेंड रेडर है भरत हुड्डा जो कि भाई काफ़ी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं तो देखो भाई ये है जो यूपी योद्धा के साइड से आपको बैक टू बैक रेड करता हुआ दिखेगा। भरत हुड्डा आई थिंक मेरे हिसाब से 70% यानी कि 70% रेड भरत हुड्डा और सुरेंद्र गिल जो अभी इतने जो फॉर्म में नहीं है जो कि अभी एक सपोर्टिंग रेडर के तौर पर रेड मारेगा ये आपको 30% रेड पार कर देगा। ठीक है इसके अलावा जो अब जो प्लेयर हैं सुमित सांगवान लेफ्ट कॉर्नर और साहुल कुमार राइट कॉर्नर। ठीक है अब देखो इन दोनों में से जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है वो है यहां पर सुमित सांगवान जो कि भाई बहुत ही अल्ट्रा फॉर्म में चल रहा है, ये वाला सीजन भी इनका काफी अच्छा जाएगा जिस हिसाब से खेल रहा है और भाई इनका पिछला सीजन तो भाई अलग ही लेवल का गया था। ठीक है इसके हिसाब से देखो भाई साहुल का कहना कि एक मैच में चलता है 2-3 मैच में फ्लॉप रहता है फिर एक मैच में चलता है मतलब देखो इनके पास कोई कंसिस्टेंसी नाम की चीज नहीं है। ठीक है तो देखो थोड़ा सा मेरे हिसाब से रिस्की ऑप्शन है। इसके अलावा राइट कवर पर खेलता है यहां पर आशु सिंह और लेफ्ट कवर पे खेलेंगे यहां पर आपको महेंद्र सिंह जो कि आपको ऑलराउंडर सेक्शन में मिलेगा और मेरे हिसाब से ग्रैंड लीग के लिए या फिर अगर आप 4 मेंबर वाली लीग खेल रहे हो तो आपके लिए एक रिस्की ऑप्शन है बट अगर ये चल जाता है तो फिर आप देखो भाई जीत जाओगे। ठीक है और लेफ्ट इन पर आपको भवानी राजपूत जो कि गाइस देखो जो यूपी योद्धा की टीम है वो इन्हें डू ऑर डाई पे ही ट्राई ज्यादा करती है तो देखो भाई भवानी और सुरेंद्र गिल आपके लिए मैं बोलूंगा काफी रिस्की ऑप्शन है अगर आप यूपी योद्धा की टीम से लेना चाहते हो तो आपके लिए भरत हुड्डा सुमित सांगवान इसके अलावा भाई आशु सिंह मतलब देखो ये जो 3 प्लेयर हैं ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी ये जो 2 प्लेयर हैं साहुल कुमार और लेफ्ट कवर महेंद्र सिंह ये गाइस ट्रम्प कार्ड प्लेयर हैं। अब इसमें से भाई आपको साहुल कुमार को अगर आप ट्राई करना चाहो तो आप एज अ ट्रम्प कार्ड प्लेयर आप इन्हें ट्राई कर सकते हो। ठीक है तो भाई ये तो बात हो गई हमारे यूपी की। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों पटना पैरेट्स जिनकी टीम में भाई कोई भी स्टार प्लेयर है ही नहीं, भाई बिल्कुल ही न्यू टीम है और भाई बिल्कुल ही यंगस्टर के साथ खेलने आई है। ठीक है देखो जो इनके रेडर हैं वो यहाँ पर 3 रेडर, एक हो गया हमारा देवांग दलाल, सेकंड गाइज हो गया संदीप और थर्ड हो गया यहाँ पर आयान जो कि लेफ्ट रेडिंग करता है और भाई लास्ट मैच में इसने सुपर 10 लगाया था। ठीक है अब देखो भाई
जो मेन रेडर है ना वो है यहाँ पर दिवांग, सेकंड रेडर के तौर पर यहाँ पर अयान खेलता है और थर्ड रेडर यानी कि आप इसे एक सपोर्टिंग रेडर भी बोल सकते हो यहाँ पर खेलता है संदीप जो कि पटना का ही है ठीक है। इसके अलावा जो कॉर्नर खेलते हैं वो यहाँ पर शुभम सिंधे जो कि टीम के कैप्टन है राइट कॉर्नर, और दीपक जो कि लेफ्ट कॉर्नर जो कि भाई उतने अच्छे फॉर्म में नहीं है, और ये जो दिल्ली के साथ जो मैच हुआ था देखो भाई उसमें भी ये बंदा काफ़ी ज़्यादा मतलब ये एडवांस टैकल करता है और ये आउट हो जाता है ठीक है। इसके अलावा लेफ्ट कवर पर खेलता है गुरदीप और राइट कवर पर खेलता है यहाँ पर अंकित जागलान जो कि भाई इंपॉर्टेंट प्लेयर है ठीक है, आपके टीम में होने चाहिए ठीक है। देखो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है पहले मैं आपको उनको पहले मैं आपके बारे में बताता हूँ ठीक है। देखो शुभम सिंधे को आप ड्रॉप मत करिएगा, इसके अलावा अंकित जागलान और देवांग दलाल देखो ये तीन प्लेयर तो भाई इंपॉर्टेंट है यानी कि इन तीनों को तो भाई आपको लेना ही लेना है। इसके अलावा अगर आप किसी चौथे प्लेयर के ऊपर आप टारगेट कर रहे हो तो यहाँ पर आपके लिए अयान ठीक है, अयान जो कि रेडर है लेफ्ट में जाकर रेडिंग करता है ठीक है। तो देखो भाई अयान थोड़ा सा आपके लिए मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट रहेगा, लास्ट मैच में भी इन्होंने भाई काफ़ी अच्छा रेड किया था, इनकी जंप भी काफ़ी अच्छा थी और मतलब भाई काफ़ी बढ़िया रेड करता है ठीक है। तो देखो ये चौथा ऑप्शन है ठीक है। बाकी इसके अलावा जो संदीप हो गया भाई इनको तो यार देखो रेड करने का ज़्यादा मौका मिलता नहीं है तो भाई रेड कम करेगा तो पॉइंट भी कम लेकर आएगा। दीपक सिंह ग्राइंडिंग के लिए अच्छा ऑप्शन है, बाकी देखो गुरदीप अगर खेलता तो अपने ग्राइंडिंग में ट्राई करना, स्मॉलिंग में आप इन्हें बेशक ड्रॉप कर दो ठीक है। इस बात करें अपनी टीम की तो देखो भाई टीम में मैंने अभी रेडर के रूप में मैंने यहाँ पर सुरेंद्र गिल, भरत हुड्डा और कैज मैंने भवानी राजपूत को लिया, बट देखो जो भाई ये मेरी टीम है ना ये भाई बिल्कुल ही मैंने ग्रैंड लीग की टीम मैंने बनाई है। अब देखो स्मॉल लीग के लिए आपको करना क्या है ठीक है, आप यहाँ पर भवानी राजपूत को ड्रॉप करके आप अपनी टीम में भाई देवांग दलाल को लेना, इसके अलावा भाई अंकित जागलान तो आपको आपकी टीम में रहना ही चाहिए, देन गाइस यहाँ पर शुभम सिंधे, सुमित सांगवान और अभी के लिए मैंने यहाँ पर साहुल कुमार को लिया है, बट भाई आप साहुल कुमार के प्लेस पे ठीक है। अब भाई देखो इनके प्लेस पे आप दोस्तों आशु सिंह नहीं तो आप महेंद्र सिंह को भी आप ले सकते हो, बाकी देखो साहुल कुमार मेरा पहला चॉइस रहेगा क्योंकि देखो मैं थोड़ा सा मैं रिस्क लेता हूँ ठीक है। बाकी भाई चॉइस आपके पास है, भवानी राजपूत की जगह पे आप यहाँ पर देवांग दलाल को लेना और सुरेंद्र गिल को हटाकर आप अपनी टीम में अयान को आप लेना जो कि लेफ्ट से रेडिंग का करता है और देखो भाई इन्होंने पिछले मैच में काफ़ी बढ़िया अपना स्किल भी दिखाया था ठीक है। बाकी देखो कैप्टन तो अभी के लिए मेरे यहाँ पर मैं सुमित सांगवान और भरत के साथ गया हूँ, बाकी अगर आप चाहो तो आप यहाँ पर शुभम सिंधे के साथ भी आप देखो जा सकते हो, ये भी आपके लिए काफ़ी अच्छा चॉइस रहेगा ठीक है। बाकी यहाँ दोस्तों फाइनल टीम के लिए भाई मेक श्योर टेलीग्राम का चैनल जाकर जल्दी से ज्वाइन कर लो, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के बिल्कुल टॉप पर ही मैंने दे रखा है भाई, जाकर जल्दी से जुड़ जाओ। वीवो पी के एल के सारी टीमें मैं आपको यहीं पर प्रोवाइड करने वाला हूँ वो भी बिल्कुल फ्री में ठीक है। बाकी दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया हुआ तो भाई वीडियो को आप कर दो फटाफट से लाइक, आपका प्यार सपोर्ट मिलता है तो हमें भी बहुत बहुत अच्छा लगता है। अगर आप चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को यार सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना और ऑल पे सेट कर देना ताकि आने वाले जो भी हमारे वीडियो रहेंगे ना उनका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाएगा ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए आप सभी भाई को हमारे साइड से बेस्ट ऑफ लक।